अस्सलाम वालेकुम, सेकंड ईयर फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका खुश आमदीद। बेटा, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें आपने कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बाय यूजिंग वैक्यूम एंड बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। और आपने देखा था, जब आपने डाइलेक्ट्रिक यूज़ की थी तो क्या हुआ था, उस केस में आपकी जो कैपेसिटेंस थी वो इनक्रीज़ हो गई थी। तो हमने जो उस टॉपिक में डिस्कस किया था, दैट वाज मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कि जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स कैपेसिटर, तो क्या होता है, आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ये मैथमेटिकली हमने ड्राइव किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, दिस इज़ बेसिकली फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, के जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं बिटवीन चार्ज्ड प्लेट पैरेलल कैपेसिटर, तो उस केस में क्या होता है, आपकी कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ कर जाती है। हमने इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस देखनी है, या फिर फिज़िकल उसका जो मेथडोलॉजी है उसको देखना है। तो बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हम सबसे पहले जो पिछला प्रीवियस टॉपिक था उसमें भी हमने यही डायग्राम डिस्कस की थी, आज भी हम इसी चीज़ को देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेट, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से होती है, वो ओरिजिनेट करती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट और टर्मिनेट करती है एट नेगेटिव प्लेट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब हमने देखा था जो गॉज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी, उसमें हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, तो उसमें इंटेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल आई थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, बेसिकली दिस इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ इक्वल टू है क्यू ओवर ए। और इसी का हमने जो कल वाला टॉपिक में कैपेसिटेंस फाइंड आउट की थी, उसमें क्या है आपके पास कि इसकी कैपेसिटेंस इक्वल होती है ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अगर आप ये देखें, इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये किस चीज़ को डिपेंड वो डिनोट कर रही है, दिस इज़ डिनोटिंग वैक्यूम बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स कैपेसिटर। अब हम देखते हैं, अगर आप दूसरा केस है हमारे पास, कोई डाइलेक्ट्रिक जो है उसको आप इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन द चार्ज प्लेट कैपेसिटर, तो अब इस केस में आपके पास क्या होगा कि ये है आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक। आपको पता है ओवरऑल जो एक मीडियम होता है वो न्यूट्रल होता है, जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर हम आम केस में इनकी अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो उसमें ये आपके पास इसका एटम का जो पॉजिटिव पार्ट होगा और ये इसके नेगेटिव पार्ट होते हैं। तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मिल रहे होते हैं, यानी कि एक एटम का पॉजिटिव दूसरे एटम के नेगेटिव से कोइंसाइड कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बिटवीन टू पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स, तो क्या होता है कि ये जो आपके पास एटम्स हैं ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करते हैं कि एटम का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर, और जो जो पॉजिटिव होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरह से आपके पास जो एटम्स होंगे वो डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो डाइपोल में कन्वर्ट होंगे, तो देखिए आम रूटीन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही आप इसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन जो इस डाइलेक्ट्रिक में मौजूद एटम्स हैं जो कि अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल बन चुके हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से होगी, उनकी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो देखें, ये जो इसकी फील्ड की डायरेक्शन है और जो इस फील्ड की डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। जब ये ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करेंगी, कैंसिल करने की ट्राई करेंगे। जब ये कैंसिल करेंगे तो इनफैक्ट बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिक्रीज़ होगी तो आपके पास इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारे रिलेशनशिप हमने पढ़े हैं, मैथमेटिकली भी हम इसको बता सकते हैं। इस ये टॉपिक में मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम से देखना कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब फिर से एक दफ़ा देख लें कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बिटवीन टू पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स, तो क्या होता है कि आपके पास जो इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और जो इन डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी, डिक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं। तो ये इस वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से ही इनडायरेक्टली क्या होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है। अब आपको यहाँ पर डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है वो आपके पास है क्या। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है, जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और वो अपनी जगह से क्या होते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। जब वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएंगे तो अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। डाइपोल बेटा क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास जब दो चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं तो ये मिलके एक डाइपोल बनाते हैं। तो ये देखिए इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर हैं, तो ये एक बेसिकली क्या बन गया, डाइपोल। तो इसमें भी देखें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे पे फासले पे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं। ये जो इफ़ेक्ट है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का डाइपोल में कन्वर्ट हो जाना, इसको कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जब आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के डिस्प्लेस हो जाते हैं। जब वो डिस्प्लेस हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और हम इस डाइलेक्ट्रिक को कहेंगे कि ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है कि ये पोलराइज्ड हो गया, ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। डाइपोल क्या होता है कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक अ डाइपोल। कि आपके पास दो इक्वल चार्जेस होने चाहिए और ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, मीन वन पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। जब इनको आप स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो ये अब मिलके क्या बना देंगे, एक डाइपोल बना देंगे। अब हमने देखा था कि जो कैपेसिटेंस थी विद मीडियम, उसकी ये वैल्यू आ रही थी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो ये फैक्टर जो था, दिस वॉज कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम ऑफ द वैक्यूम, और इस फैक्टर की वजह से वैल्यू जो थी कैपेसिटेंस की वो इंक्रीज़ हो गई थी। अब क्यों इंक्रीज़ हुई है, ये हमने यहाँ से तो देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या करती हैं, डिक्रीज़ करना शुरू कर देती हैं, इस वजह से आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती, सॉरी। तो अब आपने ये देखना है कि किस तरह से, अब सबसे पहले तो ये होगा कि जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आपके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब वैल्यू कम होगी तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अब चूंकि ये डिपेंड कर रही है चार्ज पे, जब चार्ज कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो आपको पता है गॉज़िस की जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या फिर पैरेलल प्लेट्स की, वो डिपेंड कर रही थी आपके पास इस चार्ज डेंसिटी पे। तो शुरू में चार्जेस के इफ़ेक्ट की वजह से आपकी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसके कम होने की वजह से, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड कर रही है, इसके कम होने की वजह से जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कम हो जाएगी।
अब जो थर्ड रिलेशन आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू ई डी, तो देखें इसमें ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डिक्रीज करेगा। जब ये डिक्रीज होगा तो आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी, तो आपके पास C फिर किसके इक्वल आएगा, Q और V। अब आपको पता है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर ये कम हुआ तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग डाईइलेक्ट्रिक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब उसी तरह से आप सपोज कर लें कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसको आपने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और जो नेगेटिव के साथ होगा उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब आप इनिशियली जब चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो क्या होगा कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान वो ज़ीरो होगा, लेकिन जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होती है तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम सपोज करते हैं कि वो V के इक्वल हो जाता है। तो बिफोर चार्जिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और आफ्टर चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V। तो फिर एवरेज पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो आपका इनिशियल पोटेंशियल था प्लस जो आपका फाइनल हुआ आफ्टर चार्जिंग और डिवाइडेड बाई टू। तो अब आपका क्या, इनिशियल ज़ीरो था फाइनल वी था डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस वी वी आएगा डिवाइडेड बाय टू, तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाय टू इंटू वी। अब आपको पता है जब आपके पास ऑलरेडी चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़े से डिपॉजिट हो चुके हों और इधर से मज़ीद चार्ज जो हैं वो आ रहे हों, तो ये चार्जेस इनको क्या करेंगे, बेसिकली रिपेल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इधर से मोर चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट करने के लिए। तो आपको पता है वर्क डन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब जब वर्क फिर किसके इक्वल होगा, वर्क इज़ इक्वल टू होगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एवरेज पोटेंशियल किसके इक्वल था ये हमने फाइंड आउट किया, तो ये आ जाएगा वन बाई टू वी इंटू क्यू। अब आपको पता है क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी होता है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू वन बाई टू, ये V ऐसे ही Q की जगह पे आप क्या लिख देंगे CV, तो V V से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आपको पता है वर्क डन जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो पोटेंशियल हम लिख सकते हैं फिर वर्क डन इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी इज़ इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वेयर। तो बेसिकली दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आप चाहते हैं कि आप इसी एनर्जी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो लिखें, तो आपको पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय यूजिंग अ डाईइलेक्ट्रिक आपको गिवन है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। इसकी डेरिवेशन जो है वो हम कर चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। तो अब ये आगे आपको पता है V इज इक्वल टू ई डी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को आप देखें ना, इसमें दो चीज़ें आपको चाहिए, एक आपको कैपेसिटेंस चाहिए दूसरा आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आपके पास V इज इक्वल टू ई डी है, ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो आपके पास E इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाय टू, सी की जगह पे आप पुट करेंगे ए इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, और आपके वी की जगह पे आप पुट करेंगे ई डी। तो चूँकि वी स्क्वेयर है इसलिए यहाँ पर ई डी का स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा एनर्जी इज़ इक्वल टू वन बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी और ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर। अब डी एक डी से कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा वन बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर। अब आपको पता है कि ये ए जो है ये क्या है, बेसिकली इस ए को मैंने इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, वन बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर इंटू डी बच गया। हम क्या करते हैं इस ए और डी को साथ लिख देते हैं, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय वन साइड अगर हो तो आपके पास क्या आता है, वॉल्यूम नहीं आता। तो हम लिख सकते हैं कि ये ए डी जो है ये वॉल्यूम को इक्वल है, तो ये आपके पास हो जाएगा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर और ए डी। ए डी हमने क्यों लिखा, ताकि हम वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें,
और वॉल्यूम क्यों चाहिए, ये बेसिकली हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए चाहिए। तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो है, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज़ इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी ऑलरेडी हमें गिवन है। अब ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बाकी इस तरफ आपके पास रह जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी हम कह सकते हैं ये हमारे पास इक्वल है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ई स्क्वायर ओवर डी। तो ये आपकी डिपेंड कर रही है किन किन फैक्टर पे, मीडियम पे डिपेंड कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही आपकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आज के टॉपिक में फिर देख लेंगे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखा कि जब आप डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये डायपोल्स में एटम्स कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो दोनों की एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करती हैं, कैंसिल करने की कोशिश करती हैं। जब ये कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने की वजह से आपका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। तो सबसे पहले आपने कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसको स्टार्ट करना है। तो बिफोर चार्जिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ज़ीरो था, आफ्टर चार्जिंग वो वी हो गया, हमने एवरेज फाइंड आउट की। और अब फिर आपको पता है वर्क डन जो है वो, चूंकि हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्टली हम एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वर्क का रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू वी क्यू आ जाएगा। यहाँ पर याद रखें कि वी जो है वो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इनकी वैल्यूज पुट की, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी पुट किया तो आपके पास एनर्जी आ गई 1/2 सी वी स्क्वायर। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखें तो आपके पास कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप भी दिया होता है, ये आपके पास पोटेंशियल का भी गिवन है। इनकी वैल्यूज़ पुट करें और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास एनर्जी का रिलेशनशिप ये आ जाएगा। अब आप ये वॉल्यूम को इधर ले जाए तो एनर्जी डेंसिटी और दिस इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ओवर टू। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, होप सो आपको समझ आ गई होगी।